सभी मित्रों को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम ऐसी वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमें इतिहास में कभी नहीं पढ़ाया जाता। विश्व की पहली साम्राज्ञी सातवाहन ब्राह्मण वंश की महारानी नागनिका सातकर्णी भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की पहली महिला शासिका बनी थी। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बाद लगभग 518 वर्षों तक सातवाहन राजवंश का समृद्ध इतिहास मिलता है। विश्व के इतिहास में पहली महिला शासिका मानी जाती है। नागनिका सिमुक सातवाहन वंश की पुत्रवधु और सातकर्णी की पत्नी थी। युवा अवस्था में पति सातकर्णी की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे राज्य का कार्यभार वही संभालती थी। सातवाहन काल में राज्य शासन का केंद्र था महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोंकण तक सम्मिलित, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन काल में सीरिया, बेबीलोन में आसुरी शक्तियों का प्रभाव था। ये इतने क्रूर थे कि जहाँ भी जाते लूटपाट मचाते थे और वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर देते। जब सातकर्णी का युद्ध में निधन हुआ तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव सातवाहन वंश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महारानी नागनिका ने कहा कि भविष्य में हमें अपने राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। वीरांगना साम्राज्ञी नागनिका सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य और वैदिक हिंदू संस्कृति के सूर्य को कभी अस्त होने नहीं दिया। साम्राज्ञी नागनिका के समय 6 युद्ध हुए थे। असीरिया, मेसोपोटामिया के असुरों के खिलाफ शालमशेष चतुर और आशुर निरारी पंचम, यह असुर प्रजाति के लोग थे। यह जिस राज्य में कदम रखते थे वहाँ की नागरियों को अपना निशाना बनाते। दर्दनाक शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता, न केवल धन को लूटते अपितु संस्कृति का भी विनाश कर देते थे। इतिहासकार रॉबर्ट वाल्डमन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड फर्स्ट वॉरियर में लिखा कि साम्राज्ञी नागनिका ने अरब तक अपने राज्य का विस्तार किया और उनकी तलवार के आगे 157 विदेशी असुरों ने कुन्ने टेक दिए। आगे शुभांगी बतबदे नामक इतिहासकार ने साम्राज्ञी नागनिका नामक उपन्यास में लिखती है कि अशुर निरारी पंचम की 136,000 वाली सेना को बुरी तरह भारत से खदेड़ा था। नागनिका न केवल एक कुशल महारानी थी, साथ ही साथ एक विलक्षण रण कौशलनी और युद्ध की 59 कलाओं में निपुण शासिका थी। शत्रु के बल और घमंड का तो अंत करती थी, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर शत्रु का पूर्णतः नाश भी कर देती थी। नागनिका सातकर्णी अति कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। युद्ध में बिना लड़े विरोधी राज्यों को एक छत्र शासन में कैसा लाना है वो अच्छे से जानती थी। विश्व की पहली साम्राज्ञी नागनिका सातकर्णी पहली शासिका थी जिन्होंने युद्ध में नेतृत्व करते हुए युद्ध में लड़ा भी और असुरों का विनाश भी किया। जब यूरोप में कोई शासिका बनना तो दूर घर से चौकट लांग कर जाने के लिए पूछना पड़ता था, तब हमारे भारत में नारी साम्राज्ञी बनकर भारत का ध्वज लहराई थी। नागनिका विश्व की पहली महारानी थी जिनके नाम से सिक्का निकला था। इसलिए कहता हूँ कि सत्य को जाने, समझे और स्वाध्याय करें। जय श्री राम।